सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे आप लोग? तो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के जितने भी एस्पायरेंट हैं, जो भी 2022 का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म डेट लगभग आपका आ चुका है। यानी कि फॉर्म डेट जो है आपका, यानी कि कब से आपका फॉर्म भराने वाला है। आप लोग को मालूम होगा कि जो 10th बेसिस पे आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एग्जाम को बोलते हैं हम लोग DCEC। ठीक है, DCEC PE, यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो ये जो PE है, DCEC PE है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इसका फॉर्म डेट ऑलमोस्ट आ चुका है, जो मैं आप लोग को लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद बस एक ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है और उसके बाद आपका आ जाएगा फॉर्म डेट और आप फॉर्म भर पाओगे। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका कैसे तैयारी करना है, सब चीज़ पर हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चैनल पर अगर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सारा अपडेट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, एक एलिजिबिलिटी मांगता है बस, आप 10th पास होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए। ठीक है, या तो CBSE बोर्ड का भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग अपियरिंग में देंगे, और बिहार बोर्ड का आप लोगों को मालूम है कि रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट आप लोग का आ चुका है, अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम काफी कम बचा हुआ है। और हम लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का कोर्स लॉन्च्ड हो चुका है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एस्पेक्ट विजन नाम का ऐप है, उसमें आपको बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का जो है टारगेट बैच, हमारा टारगेट क्या है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टारगेट बैच चल रहा है, जो कि ऑलरेडी रनिंग में है। 100% आपका सिलेक्शन होगा एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसका फीचर है, जो हमारा कोर्सेस हैं इसके फीचर्स हैं, डेली क्लास होंगे, आपके शेड्यूल ग्रुप में भेजा जाएगा, PDF नोट्स मिलेंगे आपको एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, तीनों फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथ हो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, जितने भी लास्ट 10 साल में पॉलिटेक्निक DCEC PE का जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 100% प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। प्लस हम लोगों ने इस बार टारगेट रखा है कि 5000 प्लस MCQ का सेट आपको दिया जाएगा, जो कि हर एक यूनिट के बाद आपको सेट दिया जाएगा, उस सेट के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आएगा, देखिए ध्यान से समझिए, बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आने वाला है, वो फॉर्म आपका होगा फॉर्म रिलीज डेट है आपका 2nd week of April, और अभी क्या चल रहा है बाबू, अभी चल रहा है 1st week of April। तो अब टाइम कितना दिन बचा हुआ है, लगभग आपके पास 8 से 9 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि 2nd week of April में आपका फॉर्म आ जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का। एग्जाम कब होगा बाबू, देखिए एक वीक मिलता है आपको फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है वो लास्ट जून में होने वाला है। यानी हमारे पास समय कितना बचा है, हमारे पास समय है टोटल 2 मंथ। ध्यान समझिए, मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, 2 मंथ हमारे पास समय है। क्वेश्चन कितने रहते हैं बाबू, क्वेश्चन 90 क्वेश्चन रहते हैं, 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 450 मार्क्स का एग्जाम होता है, 90 क्वेश्चन रहता है, टाइम है 2 मंथ। क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो आप लोग हमारे कोर्स में इनरोल्ड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया होगा, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं और जल्दी जल्दी कोर्स में इनरोल्ड हो। 100% हम लोग आपका सिलेक्शन करवाएंगे और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया है अभी जस्ट, वो लोग तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें, आप इंटर करें, उससे बेटर है कि आप पॉलिटेक्निक निकाल ले, गवर्नमेंट कॉलेज आपका एडमिशन हो जाएगा। जो लोग इंजीनियरिंग करने की इच्छा रखते हैं वो लोग 100% पॉलिटेक्निक करें, मेरा सलाह मानिए, पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आप समझिए, ऐसे समझिए कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं पॉलिटेक्निक करने या फिर इंजीनियरिंग करने, आपका लगभग 3 से 4 साल में आपको पता है कितना का खर्चा होगा, 15 लाख के आसपास खर्चा होगा। और यही गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्चा होता है बाबू, गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 20,000 के आसपास खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो डिफरेंस देखिए, ये है डिफरेंस प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में। तो अब टाइम वेस्ट आप लोग को नहीं करना है और फॉर्म का डेट लगभग तय हो चुका है कि 2nd week of April में आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम जो होने वाला है लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। आप लोग के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूंगा कि आप कैसे बिहार पॉलिटेक्निक 2022 एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी इतना देर के वीडियो में आप लोग को बताया कि आप लोग का एग्जाम जो होता है बाबू 450 नंबर का होता है, जिसमें से आपको टारगेट रखना
करना है 60 क्वेश्चन का, ठीक है, 60 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है। तो इसको, ये जो टारगेट है ये अचीव कैसे होगा, ये टारगेट अचीव कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप लोग को थ्योरी कवर करना है, ठीक है, थ्योरी कवर करना। अब थ्योरी कवर कैसे करना है, तो थ्योरी कवर के लिए आप लोग को क्या करना है, सिलेबस प्रिंट आउट करा ले, ठीक है। सिलेबस मैं ऑलरेडी अपने ऐप पे अपलोड कर चुका हूँ, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। आप सिलेबस का प्रिंट निकाल ले, ठीक है, और सिलेबस में जो भी टॉपिक है, ठीक है, सिलेबस में दिया गया आपको टॉपिक, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से क्या कह रहते हैं, सिंपल मोशन, हार्मोनिक मोशन, या फिर जितने भी टॉपिक है, लाइट है, आपके सारा चीज आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री मैथ्स सबका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इसका क्या करें आप प्रिंट आउट निकाल ले और एक एक पोर्शन का थ्योरी जो है 100% कवर कर ले, ठीक है, थ्योरी आपका 100% कवर हो जाना चाहिए। जब आप थ्योरी कवर कर ले तो हम देंगे आपको कोर्स के अंदर सेट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सेट मिलेगा। उस ऑब्जेक्टिव सेट में आपका एक सब्जेक्ट में लगभग 1000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है, इस एमसीक्यू को कर ले प्रैक्टिस, ठीक है, इस एमसीक्यू को कर ले प्रैक्टिस। जब ये एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, एक बुक लेना है, ठीक है, जो कि पॉलिटेक्निक के दुनिया में एंट्रेंस के मामले में बेस्ट बुक माना जाता है, वो है आपका आर्यंत का, ध्यान समझिए, आर्यंत का BCEC 2022 एंट्रेंस बुक, ठीक है, ये DCC के नाम से नहीं आता है, ये BCC के नाम से आता है, और इस बुक को उठाना है आपको, और टोटल जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, तीनों के जो आपको रहेंगे पूरे तरीके से, उसमें MCQ आपका लगभग 7 से 8 हज़ार MCQ रहते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसा नहीं कि आप रट लीजिए एक ऑब्जेक्टिव, आपको टोटल ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब आप इतना कर लोगे तो आप खुद में जो है अप्रॉक्स 10 हज़ार प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके होंगे, और इसमें से आपको 90 ऑब्जेक्टिव में से कम नहीं तो 80 ऑब्जेक्टिव 100% आ जाएगा, और 80 ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो उसमें आप 60 ऑब्जेक्टिव नहीं सही मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 100% अपना कंप्लीट कर सकते हो इस एग्जाम में, और अगर अच्छा रैंक मिल गया आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है, तैयारी में एकदम जुट जाए, स्पेक विजन की पूरी टीम आपके साथ है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर ले और हमें कॉल करें। सो टाइम आपके पास बचे हुए हैं टोटल 2 महीने, ठीक है, 2 मंथ का टाइम है, जो 10th अपीयरिंग है, ध्यान से समझिए, जो 10th अपीयरिंग है CBSE से, वो भी अपना प्रिपरेशन जारी रखे। सिलेबस क्या है बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का, ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देखिए आप और सिलेबस समझिए। सिलेबस में क्या क्या रहता है, 3 सब्जेक्ट आपको बेसिकली पूछे जाते हैं, पहला होता है हमारा फिजिक्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री, तीसरा होता है हमारा मैथ। दूसरी बात, किस बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो आपका 9th रहेगा, 10th रहेगा, 11th रहेगा, ये तीनों क्लास से क्वेश्चन आपको रहते हैं, तीनों क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। टोटल यहाँ पे आप लोग को 90 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का रहता है, नो निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा बेनिफिट है नो निगेटिव मार्किंग, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगे इसमें देखने को, ठीक है, विदाउट निगेटिव मार्किंग ये एग्जाम होता है। और अगर देखिए कट ऑफ कितना जाता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए 450 में, ध्यान से समझिए, 450 में जो 320 से 330 लेते जाता है वो बिहार टॉप कर जाता है, समझे, तो इतना कम क्यों नंबर जाता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन टफ रहते हैं, उसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। अगर 450 में, समझिए आप 90 क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तो 90 में आपका जो है 70 क्वेश्चन अगर बना लिया किसी ने तो वो बिहार टॉप कर जाता है। तो इसीलिए आपको टारगेट रखना है एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, 50 क्वेश्चन बनाना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो 55 क्वेश्चन बना लीजिएगा, 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप टारगेट रखिएगा तो आपका काफी अच्छा रैंक आएगा, आपका अंडर 5000 रैंक आएगा, और अगर 5000 अगर आपका रैंक आ गया अंडर 5000 तो आपको कॉलेज काफी अच्छा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब टाइम है आपका, हमने अपना इफर्ट लगा दिया है, अब इफर्ट आपको लगाना है और अपना तैयारी करना है। फॉर्म का डेट ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है कि 2nd week of April में आ जाएगा, और हमारा टारगेट बैच जो है टारगेट बैच ऑलरेडी रनिंग में है, तो टारगेट बैच जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करें, DCECP यानी बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस बैच, जिसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के स्पेशलाइज टीचर के द्वारा कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करें या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट।